नमस्कार, जलडेगा ग्रामीण समाचार में आप सभी का स्वागत है। अभी अभी गोवा से एक वीडियो वायरल होते हुए जलडेगा ग्रामीण समाचार तक पहुंची है। गोवा में फंसे जलडेगा प्रखंड के मजदूरों का हाल बेहाल, स्थानीय विधायक से मदद करने की लगाया गुहार। सिमडेगा जिले का जलडेगा प्रखंड के कई मजदूर गोवा के अलग अलग जगहों में फंसे हुए हैं। मजदूरों का एक दल गोवा के पंजीम में फंसे हुए हैं। मोबाइल से बातचीत करने पर मजदूरों ने अपनी बीती सुनाते हुए कहा कि उन्हें खाने पीने का भी परेशानी हो रही है। सभी मजदूर अपने घर झारखंड आना चाहते हैं। मजदूरों ने फोन पर बताया कि जलडेगा से सिमडेगा जिलों के भी अन्य सैकड़ों मजदूरों का दल अलग अलग जगहों में फंसे हुए हैं। मजदूरों के अनुसार उन्हें मकान मालिक भी रूम खाली करने के लिए दबाव बना रहे हैं। मजदूरों के पास खाने पीने का सामान सहित रुपये भी नहीं है। वही बस वाले गोवा से झारखंड तक 25 मजदूरों को लाने का किराया 2,20,000 रुपये मांग रहे हैं। मजदूरों ने यह भी बताया कि झारखंड सरकार द्वारा जारी ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है और बताया जा रहा है कि राहत के नाम पर संजय नायक नाम का एक मजदूर के जनधन खाते में 1,000 रुपये आए हैं। मजदूरों ने झारखंड सरकार सहित क्षेत्र के विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी से मदद करने की आग्रह किया है। हम लोग झारखंड राज्य से हैं, जिला सिमडेगा, गांव जलडेगा पतियांबा से हैं। हम लोग गोवा में आए हुए हैं। क्राउन होटल में काम करते थे पर लॉकडाउन की वजह से काम अभी बंद है और हम लोग को खाने पीने में सब में तकलीफ हो रही है और हम लोग के पास पैसा भी नहीं है। सो झारखंड सरकार से अनुरोध है हम लोगों पर कि हम लोग को यहाँ से घर सुरक्षित ले जाया जाए, हम पास बना दिया जाए ताकि हम लोग अपना प्राइवेट गाड़ी करके जा सकते हैं।